बहुत शानदार, मतलब दिल खुश हो गया ऐसी जगह आकर। ये पहला है। अच्छा अच्छा, रोको फिर, एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ। ये पहला मॉनेस्ट्री है वाथाई बोधगया। ये पूरा वीडियो मैं मोबाइल से शूट करने वाला हूँ, अगर मुझे अलाउड किया इनने। ये थाईलैंड के लोगों ने बनाया है और काफ़ी सुंदर है। देखो कितना बड़ा एरिया है और बुद्ध की मूर्ति बहुत सुंदर है। फोटो में इतना क्लियर नहीं आ सकता, मेरा कैमरा जो अभी डिस्चार्ज हो चुका है, वो चार्ज हो रहा है अभी बैग में, और काफ़ी सुंदर है देखिए आप। ये मोनेस्ट्री थाईलैंड से बिलोंग करता है। ये मोनेस्ट्री जो है वो जापान द्वारा बनाई गई है, और जितने ही मोनेस्ट्री आपने देखे हैं उनमें जो बनाने का जो स्टाइल है वो उनके कंट्री के हिसाब से बनाया गया है। चलो आगे जो है ना, एक 80 फीट के बुद्ध की मूर्ति है, बहुत बड़ी और बहुत फेमस बोधगया की, वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूर देखना है। वो आ गई है जस्ट। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं जिसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा था, आपको चल के दिखा रहे हैं। सुरक्षा बहुत अच्छी है यहाँ पे, और जो सामने व्यू मुझे दिख रहा है ना इस वक्त, छोटा सा दिखाया मैंने आपको, लेकिन इतना ज़्यादा दिल में खुशी मिल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये शायद पहली इतनी बड़ी मूर्ति होगी जो हम लोगों ने देखी है। इससे पहले देखी है? इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर है ना लाइन से, आपको यहाँ पे बहुत सारे भिक्खू दिख रहे हैं। ये एक्चुअली में वो खास भिक्खू हैं जो बुद्ध के साथ रहते थे। सबकी जो मूर्ति एक जैसी है, लेकिन उन सबके नाम लिखे हुए हैं। ये भिक्खू, कुछ भिक्खू यहाँ पर हैं और कुछ भिक्खू वहाँ सामने खड़े हुए हैं। ये इतना शानदार और एंटिक जगह पर है ना, मतलब इतना एंटिक माहौल बना रखा है यहाँ पर, जो कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ऐसा। महामुद्गल्यान इनका नाम, मैं बोलना सीख गया, पहले अटक जाता था बोलते बोलते। तो ये बहुत बेहतरीन जगह लगी मुझे, और इतनी शानदार और एंटिक चीक मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। यहाँ बुद्ध हैं और यहाँ सारे बुद्ध के शिष्य खड़े हैं जो उनके साथ सबसे पहले थे। चाइना में जो जायंट बुद्धा है, लार्जेस्ट बुद्धा की जो स्टैचू है, जिसके बारे में बहुत बात करता हूँ, अगर वहाँ जाने को मुझे मिला तो कितना ज़्यादा खुश होऊंगा मैं। कितनी शानदार जगह है ये। जापान की जो मोनेस्ट्री है, ऐसा बोला जा रहा है, कहीं लिखा मैंने देखा नहीं है, लिखा है क्या? तो फिर जापानी मोनेस्ट्री है ये, तो बोल ये सनी ने बोला है, तो जापानी मोनेस्ट्री है ये। और जापान के जो आर्किटेक्चर होता है वो काफी सुंदर होता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो दिखाया आपको, सबसे पहले बुद्ध की माता को दिखाया गया है, महामाया को, उसके बाद बुद्ध पैदा हुए वो दिखाया गया है, और उसके बाद आगे जाके ये दिखाया गया है कि बुद्ध ने अपना परिवार त्याग दिया। उसके बाद वहाँ पे एक और जगह दिखाया गया था कि बुद्ध ने तपस्या करते करते उनकी जो है हालत दशा बहुत बुरी हो गई, और उसका जो एक महिला दिखाई गई है उसमें सुजाता जो है वो खीर जो है दे रही है बुद्ध को, और उसके बाद आखिरी में बुद्ध बन जाते। अब तो यार बहुत थकान हो गई, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं तो सोच रहा हूँ यार होटल चल के आराम किया जाए।
आदत है पुरानी लोग। ये भूटान कंट्री की मोनेस्ट्री है और इसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है जो सिंबल हम ज़्यादातर फोटोज़ में ही देखते आए हैं आज तक। आज पहली बार जो है मैंने खुद ने सिंबल्स को देखा है, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने। ये मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री की दीवारों पे जो है बुद्ध के जन्म की कहानी लिखी हुई है। ज़्यादातर जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे दीवारों पर बुद्ध के जीवन की कहानियाँ लिखी होती हैं। ये बुद्ध की स्टैचू बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुद्ध की स्टैचू, काफ़ी सुंदर जो मोनेस्ट्रीज है ये। हमारा होटल थोड़ा सा अंदर है गली में, लेकिन होटल एक नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ से हमारा रूम दिख रहा है, होटल तो एक नंबर है। थर्ड फ्लोर पे भी जाना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं चलती, लेकिन होटल एक नंबर है। अब थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब हम आराम करने के लिए जा रहे हैं। कम से कम 3-4 घंटे आराम करना पड़ेगा और धूप अभी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ठंडक हो जाए, 4 बज जाए उसके बाद जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। कीप सपोर्टिंग।